दोस्तों ये जो आप सागर विला लिखा हुआ देख रहे हैं, ये घर है भारत के सबसे लोकप्रिय टीवी सीरियल रामायण को बनाने वाले रामानंद सागर जी का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज मैं आपको भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर फिल्म डायरेक्टर रामानंद सागर जी का घर दिखाने वाला हूं। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, रामानंद सागर का घर आपको YouTube पे कोई भी नहीं दिखाएगा। ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें आपको मैं रामानंद सागर जी का घर दिखाने वाला हूं। आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ये जो घर दिखाया हूं, ये रामानंद सागर जी का जो दिखाने वाला हूं, ये मुझे ऐसी बहुत ही आसानी से नहीं मिला। बाइक में जो है पेट्रोल बहुत जलाना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा, तब जाके मिला। मुंबई की एक सच्चाई बता देता हूँ, आप किसी से भी पूछेंगे कोई आपको कुछ नहीं बताएगा, किसी सबको पता रहता है लेकिन बताएगा कोई नहीं। सब जो ऐसे भागते दौड़ते हुए आपको मुंबई में नजर आएंगे। तो दोस्तों आप जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि रामानंद सागर के घर में अभी कौन रह रहे हैं, उनका घर कैसा दिखता है, कौन से लोकेशन पर है, और उनके लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे रामानंद सागर जो है पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ, और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में तो वो सिर्फ 5 आने के साथ भारत आए थे, उनके जेब में सिर्फ 5 आना था, और वो एक चपरासी की नौकरी करते करते इतने महान व्यक्ति कैसे बन गए। तो इनके लाइफ से जुड़े अननोन फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कि कौन सा लोकेशन पे जो है रामानंद सागर जी का घर है। तो ये जो है दोस्तों जुहू इलाके में है, विले पार्ला देख सकते हैं वेस्ट में, और ये संत कबीर रोड, यहाँ से जो आपको सिर्फ वो वाला जो घर दिख रहा है ना, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला जो घर दिख रहा है आपको, ये घर है रामानंद सागर जी का। और आप इस रोड से आगे जाएंगे, आगे आपको यश चोपड़ा जी का, अजय देवगन का घर मिलेगा। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं संत कबीर रोड, इससे सिर्फ आपको 20 मीटर आगे जाना है, यहाँ पर आपको जो है वो रामानंद सागर जी का घर देखने को मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ रामानंद सागर जी के घर के आगे, अभी खड़ा हूँ। और ये वाला जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट रामानंद सागर जी के घर का है। एक ये गेट है और एक आगे भी है, पूरा बताऊंगा कि घर जो है कैसा दिखता है और कितने फ्लोर हैं टोटल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए सागर विला आपको लिखा हुआ नजर आएगा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए सागर विला लिखा हुआ है, और अभी इस घर में जो है रामानंद सागर जी के जो बेटे हैं प्रेम सागर, वो रहते हैं इसी घर में। और टोटल इनका जो घर देखेंगे, ये 3 फ्लोर का घर है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से जो है ये गेट है इसका मेन गेट और स्टार्टिंग है, तो आगे वहाँ तक जाएगा, वहाँ जो है आपको लेके चलूँगा। तीन गेट है इस घर में, तीनों गेट मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये है दोस्तों रामानंद सागर जी का सागर विला, और ये जो है घर है टोटल जो है 3 फ्लोर का है। थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते कैमरे लगा हुआ है, और ये जो गेट है दोस्तों वो गेट ये लकड़ी का है, और इसके ऊपर पन्नी लगाया गया है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, इस वजह से खराब ना हो जाए, इस वजह से इसको जो है इस गेट को पन्नी से कवर किया गया है। तो दोस्तों ये घर है रामानंद सागर का, और मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे देता हूँ, वीडियो बनाना यहाँ पे अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, फिर भी मैं रोड पे खड़ा होकर जो है वीडियो बना रहा हूँ, जितना हो सकता है दिखाने की कोशिश करूँगा उनका घर। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये 3 फ्लोर का जो है रामानंद सागर जी का घर है, और अभी इस घर में रामानंद सागर के जो बेटे हैं प्रेम सागर, वो रहते हैं। और ये घर यहाँ से स्टार्टिंग है, मेन गेट उनका ये है, और एक वो वाला गेट है सामने आपको दिख रहा होगा, ये सागर विला है, और एक वहाँ पे जो है ये वाला जो घर देख रहे हैं ना, ये भी रामानंद सागर का ही है। जूम करता हूँ, इसमें अभी जो है रेंट पे लगाए हुए हैं, और ये वाला जो घर है 3 फ्लोर का, इसमें रामानंद सागर के फैमिली जो है वो अभी रहते हैं। ये रोड है, और ये लोकेशन काफ़ी प्यारा लोकेशन है, विले पार्ला वेस्ट का लोकेशन है जूहू में, और काफ़ी शांत है। जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर आपको ग्रीनरी नज़र आएगा, पेड़ पौधे काफ़ी लगे हुए हैं। और ये जो रामानंद सागर का सागर विला है, ये आप देखेंगे तो ये पूरा जो है वो घिरा हुआ है दीवार से, और इस पर जो है वो कुछ पत्ते टाइप के लगे हुए हैं, और ये वाइट कलर से जो है कलर किया हुआ है। ये वाला जो घर देख रहे हैं, ये घर भी रामानंद सागर का ही है, और इसमें टोटल फ्लोर की बात करेंगे, टोटल जो है 5 फ्लोर का ये घर है। और अभी इस घर में जो है वो रेंट पे लोग रहते हैं, और ये वाले घर में जो है वो रामानंद सागर की पूरी फैमिली जो अभी रहती है। तो ये वाला मेन गेट है सागर विला का, और एक गेट वहाँ पर है, और उसके साइड में भी इस ये जो घर है ना, ये वाला अपार्टमेंट, उसका जो गेट है वहाँ पे है। तो ये रहा रामानंद सागर, जो जिन्होंने रामायण का निर्देशन किया, उनका घर। दोस्तों आज के समय में रामानंद सागर जी को कौन नहीं जानता है, उनका नाम भारत देश के हर कोने में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण और कृष्ण कथाओं का निर्देशन किया, जो हर भारतीय के दिल में आज तक बसा है। किंतु उनका जीवन इतना आसान नहीं था, उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, किंतु रामायण के निर्देशन के बाद उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली कि जितने उन्हें अपने पूरे जीवन काल में तो क्या भारत में किसी और निर्देशक को आज तक नहीं मिली है। दोस्तों रामानंद सागर जी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 29 दिसंबर 1917 को हुआ, लेकिन उन्हें उनकी नानी ने गोद ले लिया था क्योंकि उन्हें कोई लड़का नहीं था। रामानंद सागर के बचपन का नाम चंद्रमौली चोपड़ा था।
लेकिन उनकी नानी के द्वारा उनका नाम बदलकर रामानंद सागर रख दिया गया। उन्हें जन्म देने वाली माँ के मरने के पश्चात उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिनसे उन्हें विधु विनोद चोपड़ा हुए, जो आज फिल्म जगत में एक जाने माने निर्देशक हैं और वह रामानंद सागर के सौतेले भाई भी हैं। दोस्तों, रामानंद सागर जी का शुरुआती जीवन बहुत ही गरीबी में गुजरा। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने दिन में पढ़ाई और रात को उसके लिए काम करने लगे। पैसे जोड़ने के लिए उन्होंने चपरासी, ट्रक साफ करने वाला, साबुन विक्रेता इत्यादि कई अनेकों काम किए। उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय से 1942 में संस्कृत और पारसी भाषा के लिए स्वर्ण पदक भी मिला हुआ है। 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन साथ में मिला दुखद बंटवारा। इस बंटवारे में रामानंद सागर जी भी अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गए और वो मुंबई चले गए। जब वो भारत आए थे तब उनके पास केवल 5 आने थे। उन्होंने बंटवारे के ऊपर अपनी एक आत्मकथा और इंसान मर गया लिखी, जो हिंदी और उर्दू भाषा में उपलब्ध है। दोस्तों, 1949 में रामानंद सागर ने मुंबई में निर्देशक, लेखक और प्रोड्यूसर के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें आंखें, प्रेम बंधन, चरस, पैगाम, वो बरसात प्रमुख फिल्में हैं। बरसात उनकी पहली फिल्म थी जो 1949 में रिलीज हुई थी। उन्होंने लगभग 23 फिल्मों में काम किया। 1969 में उन्हें फिल्म आंखें के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, एक बार रामानंद सागर जी अपने बेटे के साथ चरस मूवी की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड में थे। वह एक कैफे में बैठे हुए थे, तब उन्होंने जीवन में पहली बार रंगीन टीवी को देखा। अपने सामने रंगीन टीवी को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि अब वह फिल्मी दुनिया को छोड़ देंगे और टीवी सिनेमा में काम करेंगे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह भारतीय के दिलों में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर आधारित धारावाहिक का निर्माण करेंगे। इसके लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने सभी से सहायता मांगी, किंतु उनके दोस्त, रिश्तेदार, फिल्म जगत ने इसे बेतुका का विचार बताकर उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, कहीं से भी कोई भी सहायता न मिलने के बाद पैसे इकट्ठे करने के लिए रामानंद सागर जी ने साल 1986 में टीवी पर विक्रम और बेताल नाम से एक धारावाहिक शुरू किया, जो बच्चों और बड़ों में बहुत पसंद किया गया। इस धारावाहिक के द्वारा उन्होंने रामायण के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए थे। अंत में टीवी पर 25 जनवरी 1987 को रामायण का पहला एपिसोड दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया और फिर इसके बाद तो रामानंद सागर की जीवन ही बदल गया। दोस्तों, इनके द्वारा बनाए गए रामायण को एक अनुमान से भी ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद मिला और दिन प्रतिदिन इसकी जो है प्रसिद्धि और भी बढ़ती ही गई। जिस समय रामायण धारावाहिक आने का समय होता था, उस समय भारत की गलियों मानो थम सी जाती थी। सब कामकाज रुक जाते थे और सब लोग जो है टीवी से चिपक जाते थे। दोस्तों, टीवी सिनेमा में उनके दिए गए योगदान के लिए बीजेपी की सरकार बनने के एक वर्ष बाद ही 2002 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रामानंद सागर जी का स्वार्थ आयु के साथ साथ बिगड़ता गया और अंत में उन्होंने 12 दिसंबर 2005 को 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आज भी उन्हें रामायण और उनके जैसा अन्य धारावाहिक देने के लिए याद किया जाता है। वह हर भारतीयों के दिल में हमेशा अमर रहेंगे।